नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल अरुण अकेडमी में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो ये क्वेश्चन है जो कि आप सभी लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम अंत तक जरूर देखेंगे, ठीक है, ताकि क्वेश्चन जो है आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। क्वेश्चन है खाद्य पदार्थ स्थानांतरण संबंधी मुंच परिकल्पना, ठीक है, या फिर पूछ लिया जाता है मुंच हाइपोथेसिस क्या है, या फिर पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों के जवाब केवल इस आंसर में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का क्वेश्चन। मुंच हाइपोथेसिस क्या है, ठीक है। तो मुंच हाइपोथेसिस क्या होती है, तो चलिए देखते हैं कि खाद्य पदार्थ स्थानांतरण संबंधी मुंच परिकल्पना का प्रतिपादन मुंच नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है, इसीलिए इसे मुंच हाइपोथेसिस कहते हैं। मुंच हाइपोथेसिस किस लिए कहा जाता है, तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो परिकल्पना दी थी या संकल्पना जो दी थी वो मुंच नामक वैज्ञानिक ने दी थी, इसीलिए इसे या इसका नाम मुंच हाइपोथेसिस रख दिया गया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों होता क्या है इसमें, सबसे पहले चलिए देखते हैं। तो ये आपके सामने फिगर बना हुआ है मुंच परिकल्पना का। इसमें हम सबसे पहले ऐसे देख लेते हैं कि दो बीकर बने हुए हैं, ठीक है, एक बीकर ये है और दूसरा बीकर ये है, ठीक है, दो बीकर हैं। दोनों बीकरों के अंदर एक पात्र रखा हुआ है, पात्र बी और पात्र ए, ठीक है। पात्र बी और पात्र ए में क्या होता है कि जो मुंच नामक वैज्ञानिक थे इन्होंने क्या किया था कि जो पात्र ए था इसमें ग्लूकोज या शर्करा का सांद्र विलयन रखा और जो पात्र बी था इसमें H2O रखा, अर्थात जल रखा, ठीक है। बीकरों को जो दोनों बीकर थे इनमें पानी भर दिया और इसे स्मॉल टी नली के द्वारा जोड़ दिया, जबकि जो ये दोनों पात्र थे, पात्र कौन कौन थे, पात्र ए और पात्र बी, इन दोनों को कैपिटल टी नली के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, कैपिटल टी नली के द्वारा जोड़ दिया गया। अब क्या होता है, अब होता यह है कि चूंकि पात्र ए में जो है क्या भरा हुआ है, शर्करा का सांद्र विलयन भरा हुआ है जो कि कैसा होता है, गाढ़ा होता है, पात्र ए और पात्र बी के ऊपर जो है अर्धपारगम्य झिल्ली का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब परासरण की क्रिया होती है, तो परासरण की क्रिया के द्वारा क्या होता है कि जो बीकर में पानी भरा होता है वो धीरे धीरे पात्र ए में प्रवेश करने लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि पात्र ए में शर्करा और जल दोनों मिलने लगते हैं। जैसे जैसे यह स्तर बढ़ता जाता है वैसे वैसे यह कैपिटल टी नली के द्वारा धीरे धीरे किसमें, कैपिटल ये जो बी पात्र है इसमें पहुंचने लगता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये क्रम जो है तब तक चलता रहता है जब तक कि पात्र ए और पात्र बी की सांद्रता समान नहीं हो जाती। पात्र बी में अभी मैंने क्या बताया था, क्या भरा हुआ था, जल भरा हुआ था, पात्र ए में क्या भरा हुआ था, शर्करा का सांद्र विलयन भरा हुआ था, ठीक है। तो ये पानी तब तक पात्र ए में प्रवेश करता रहेगा जब तक इसमें से जाने वाली शर्करा पात्र बी में और पात्र ए में दोनों में समान नहीं हो जाती है, ठीक है। अब अगर क्या किया जाए, इन्होंने बताया, मुंच नामक वैज्ञानिक ने बताया कि अगर हम पात्र बी में जमी शर्करा को हटाते जाएं और पात्र ए में इसी शर्करा को क्या करते जाएं, डालते जाएं, तो ये क्रम लगातार चलता रहेगा। कौन सा, पात्र ए से शर्करा किस में जाएगी, पात्र बी में जाएगी। शर्करा ही क्या होती है, पेड़ पौधों का भोज्य पदार्थ होती है। कैपिटल टी नाम किसका दिया गया था, किसको दिया गया था, तो फ्लोएम को नाम दिया गया था। स्मॉल टी का नाम इन्होंने किसका दिया, जाइलम का नाम दिया। अब क्या होता है, अर्थात इन्होंने इस प्रयोग के द्वारा ये सिद्ध किया कि जो पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है।
और जो जल का स्थानांतरण होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि क्या हमको लिखना है। तो लिखेंगे क्या प्रयोग में, हेडिंग डालेंगे प्रयोग और फिर इसमें इसके अंतर्गत क्या लिखना है चलिए देखते हैं कि सर्वप्रथम मुंच ने जल से भरे दो बीकरों को लिया। ठीक है, मुंच नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, सबसे पहले जल से भरे दो बीकरों को लिया जिसे स्माल्टी नली के द्वारा जोड़ दिया, फिर इनमें पात्रों को क्रमशः पात्र ए व पात्र बी को रखा। ठीक है, पात्र ए में शर्करा के सांद्र विलयन को तथा पात्र बी में पानी को लिया। ठीक है, दोनों पात्रों को कैपिटल टी नली से जोड़ दिया गया। परासरण की क्रिया के कारण जल पात्र ए में प्रवेश करने लगता है तथा कैपिटल टी नली के द्वारा पात्र बी में शर्करा और जल पहुंचने लगता है। ठीक है, अब क्या होता है, यह क्रिया तब तक चलती है जब तक कि दोनों पात्रों की सांद्रता समान नहीं हो जाती है। अब अगर हम पात्र बी में जमी शर्करा को हटाते जाएं और पात्र ए में डालते जाएं, किसको, शर्करा को, तो यही क्रम चलता रहता है। मुंज ने जो ए नाम था, पात्र ए था, उसको क्या कहा, पत्ती माना। ठीक है, मुंज ने ए को पत्ती, बी को जड़, टी को फ्लोयम और स्मॉल टी को जाइलम माना। ठीक है, इस प्रकार से यह सिद्ध होता है कि भोजन का स्थानांतरण कैपिटल टी अर्थात फ्लोयम के द्वारा तथा जल का स्थानांतरण स्मॉल टी जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा वीडियो। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो समझ में जरूर आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल अरुण अकेडमी। और अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, ताकि सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।